थर्ड लेक्चर देख लेते हैं। इससे पहले के जो लेक्चर हैं दो, उनमें हम फॉरेस्ट रोड देख चुके हैं और फॉरेस्ट ब्रिजेस को कर चुके थे। फिर इसके बाद सर्वे का इंट्रोडक्टरी पार्ट और लीनियर मेजरमेंट कर चुके थे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि चैन सर्वे क्या होता है, कंपास सर्वे क्या होता है और प्लेन टेबल सर्वे क्या है। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं चैन सर्वे की तरफ। देखो, पहले तो आपको कोई भी सर्वे आएगा, इन तीनों ही सर्वे जो पढ़ने वाले हैं, तो एक तो पहला टर्म आता है कि ये इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये जो सर्वे आप कर रहे हो ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। दूसरा मुद्दा आता है कि ये सर्वे को कब आप अप्लाई करोगे, यानी कि जैसे आपके पास ये तीन सर्वे मतलब तीन टाइप की बुलेट है, तो किस टाइप की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको ख़त्म करने के लिए कौन सी बुलेट चलाओगे। तो मीन्स व्हेन यू रिकमेंडेड दिस टाइप ऑफ सर्वे। थर्ड है, जब ये सर्वे करते हो तो आपको कुछ गोला बारूद की ज़रूरत होती है, इक्विपमेंट उनकी ज़रूरत है। फिर आपका प्रोसीजर कैसे होगा, सर्वे करोगे कैसे। जब सर्वे करते हैं तो उसमें कुछ समस्याएं आती हैं, वो ऑब्स्टेकल देखना है, और लास्ट में एक्सरसाइज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हें देख लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपन प्रिंसिपल वाले पार्ट पे। तो जो चैन सर्वे है इसमें होता क्या है, आपके पास जो भी पूरा एरिया था, आप उसमें उस पूरे एरिया को ट्रायंगल ट्रायंगल में बांट देते हो, छोटे ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल, ठीक है। अब जो ट्रायंगल बनते हैं, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है उसका पर्पज़ यही है कि इल ट्रायंगल मतलब जहाँ आपके तीनों ही ट्रायंगल हैं वो कोई भी, ये देखो आइडियल ट्रायंगल मतलब तीनों के तीनों 60 डिग्री पे है। अगर यहाँ कोई भी एंगल जो है वो अगर 40 डिग्री से कम है, जैसे ये 25 डिग्री है, अगर कोई भी एंगल 40 डिग्री से कम है तो हम उसे इल ट्रायंगल मानते हैं। अगर 40 डिग्री से ऊपर है तो उसे माना जाता है वेल ट्रायंगल। जैसे नीचे वाला है वेल ट्रायंगल है, इसमें कोई भी 40 डिग्री से नीचे नहीं है, 40 या उसके ऊपर के हैं, तो इन्हें बोल देते हैं वेल एंगल ट्रायंगल या वेल कंडीशन ट्रायंगल। तो ये जो अपना ट्रायंगुलर सर्वे है, इसमें आपने पूरे पूरे एरिया को ट्रायंगल में डिवाइडेड कर रखा है, छोटे ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल, भांत भांत के ट्रायंगल। और जब आप दुनिया भर के ट्रायंगल बना लेते हो तो इसके बाद क्या करते हो, हर ट्रायंगल से, जैसे कि आपकी ये बेस लाइन थी, यहाँ पर ये जो बेस लाइन थी वहाँ पर आपने ये जो ऑब्जेक्ट था उसको आपने मेजर कर लिया बेस लाइन से एक ऑफसेट डाल करके। तो इस टाइप से उस पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या चीज़ें हैं आपको आसानी से पता पड़ जाती है। तो आपका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है ट्रायंगुलेशन, मतलब आप ट्रायंगल बना बना के मारते हो इस एरिया को। अब मुद्दा है कि आप ये चैन सर्वे कब रिकमेंडेड करोगे। तो पहले तो समस्या कि जब देखो आप ट्रायंगल ट्रायंगल बनाओगे तो ट्रायंगल बनाना आपका पॉसिबल तभी है जब आपका जो एरिया है वो प्लान हो। तो आप इस टाइप का सर्वे प्लान एरिया में ही रिकमेंडेड करोगे, इस टाइप के अंडुलेटिंग में पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, एरिया जो है ना वो छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि बड़े एरिया में फिर वही समस्या है कि बड़ा एरिया होगा तो आप पहले सबसे बहुत बड़ा ट्रायंगल बनाओगे फिर उसके छोटे छोटे करते चले जाओगे, तो ये समस्या खड़ी कर देते हैं। तीसरा, क्योंकि इस टाइप पे जब बहुत सारे ट्रायंगल हो जाते हैं बड़े छोटे तो वो समस्या खड़ी कर देती है, समझ में नहीं आता कौन सा ट्रायंगल किधर जा रहा है, ठीक है। तो पहला आपको बोला कंडीशन क्या होनी चाहिए, एरिया प्लान होना चाहिए, दूसरा स्मॉल हो, ठीक है, जिससे कि सही कंडीशन या वेल एंगल वाले ट्रायंगल बन सके। इसके साथ थर्ड कंडीशन है, जो एरिया है वो खाली हो, क्योंकि जब आप ट्रायंगल बनाओगे तो आपको एक पॉइंट से जो ट्रायंगल अपना बनता है इसमें इस पॉइंट वाले को दिखना चाहिए, ये वाला इस वाले को दिख रहा हो आराम से कि ये कहाँ है, मीन्स इस बंदे को तीनों पॉइंट यहाँ से दिखने चाहिए। हर जो तीन पॉइंट बनेंगे ट्रायंगल के, तीनों को आपस में एक दूसरे को दिखना चाहिए जिससे कि वो क्लीन हो। तो अगर उस जो एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मीन्स बहुत सारी कंस्ट्रक्शन है, प्लांटेशन हो रखी है, बिल्डिंग खड़ी हो रखी है, तो वो एक दूसरे को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में ट्रायंगल सही से बन नहीं पाते हैं। तो पहला एरिया प्लान हो, दूसरा एरिया छोटा हो, और तीसरा इस टाइप की बहुत सारी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्राउडेड नहीं होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। जैसे ही ये तीनों चीज़ें मिल गई, ये जो चैन सर्वे है वहाँ अपना फेल हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ ये फेल हो जाएगा वहाँ पर फिर अपन कंपास करेंगे। तो कंपास को यह बोलेंगे, कंपास को कब रिकमेंडेड करते हैं, वो तीन कंडीशन जहाँ चैन सर्वे अपना फेल हो रहा है, ये वाली तीन कंडीशन, ठीक है। तो पहला ध्यान रखो कि चैन सर्वे को हम कब रिकमेंडेड करते हैं, वो आपका यहाँ सॉल्व हो गया समस्या।
या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कंडीशन जहाँ चयन सर्वे फेल हो जाता है, तो वो भी आपका हो गया। ओके, अब देख लेते हैं, जब आप चयन सर्वे करते हो तो इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है। टर्मिनोलॉजी कौन सी होगी? तो पहले तो देखो, पहले वो पहला टर्म आता है मैन स्टेशन। जैसे आप इसमें देख रहे हो, ए है, पॉइंट है, बी है, सी है, डी है, तो ये जो आपके पॉइंट है ये है मैन स्टेशन। आप क्या करते हो कि पहले उस एरिया में ना बड़े बड़े जो खूंटे नहीं थे अपने वुडन पैक्स, इनको वो खूंटों को वहाँ गाड़ के आ जाते हो। मतलब जब आपने वो लाइन वगैरह खींचते हो ना, आगे जाके चैनिंग करोगे तो इस जगह पे बड़े बड़े खूंटे गाड़ के आ जाते हो। इसके बाद फिर क्या करोगे, इनके बीच में ट्रायंगल बनाओगे। जैसे कि ये एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया। हाँ, एक बात और, इस पूरे में एक सबसे बड़ी लाइन होती है। मतलब जब भी सर्वे किया जाता है तो एरिया को इस बात से ध्यान रखा जाता है कि इस पूरे पूरे एरिया में एक बहुत बड़ी लाइन बन रही हो, और जो सबसे बड़ी लाइन होती है ना, उसी को बोला जाता है बेस लाइन। जैसे कि यहाँ पर ये बेस लाइन दिख रही है, ठीक है, सबसे बड़ी लाइन है। और फिर जैसे ये ट्रायंगल बन गया इसका, ओके, तो इस टाइप से आपका ये काम हो गया। तो पहला आपको मेन स्टेशन पता हो गए। इसके बाद जो छोटे छोटे स्टेशन बने, इन्हें बोला सब्सिडियरी स्टेशन। बेस लाइन पता हो गई। अब होता क्या कि जैसे इसमें दो तीन लाइनें खींच के आपने बड़े बड़े ट्रायंगल की, वो एक्चुअल में सही जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, तो उन्हें चेक करने के लिए या उनको एडजस्ट करने के लिए, जिससे उनकी जो एंगल है वो बिल्कुल एंगल के अकॉर्डिंग जाए, तो चेक करने के लिए जो छोटी छोटी लाइनें डाली जाती हैं उन्हें बोलते हैं चेक लाइन। और इसके साथ एक टर्म और आता है, वो है ऑफ सेट। देखो, सेट मतलब सेटिंग, ऑफ मतलब जो साइड में सेटिंग हो रही है, उसे बोलते हैं ऑफ सेट। अब होगा क्या, या ऑफ सेट का पर्पज कहाँ है? ऑफ सेट का सपोज पर्पज है यहाँ, जहाँ आपका मेन लाइन हो या कोई भी लाइन हो, कोई ऑब्जेक्ट है जो मेन लाइन के आसपास है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट मेन लाइन से कितनी डिस्टेंस पे है। तो कैसे पता पड़ेगा? जैसे आपकी चैन जा रही थी, ये चैन जा रही थी, आपने 90 डिग्री पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींची और ये जो आपका ऑब्जेक्ट था उसको डिस्टेंस निकाल लिया। ये लाइन मतलब डिस्टेंस मेजर कर ली, तो 90 डिग्री पे था, तो इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट। अब मान के चलो कि जो आपकी स्ट्रक्चर थी, बिल्डिंग थी, आपने खड़ी लाइन ना डाल करके इस टाइप के दो ऑब्लिक में डाल दिए, मतलब ये भी ऑब्लिक है और एक ये भी ऑब्लिक है, और ये तो मेन लाइन थी, तो इस टाइप से आपने ऑब्लिक करके डाल दी, तो ये इसे बोलते हैं ऑब्लिक ऑफसेट। चलो, अब आपके क्या हो गए, प्रिंसिपल हो गया, रिकमेंडेशन क्या था वो हो गया, बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई। अब देखते हैं इक्विपमेंट, कौन कौन से सर्वे जब करते हैं तो कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला तो है वुडन पैक का, इसका तो आपको पता है कि बड़े बड़े खूंटे लगा देते हैं अपन, ठीक है। दूसरा, आपको एरो के बारे में पहले बता चुका हूँ कि जब अपन चैनिंग करते हैं स्टार्टिंग में, लंबे से एक जगह से दूसरी जगह चैन खींच के जाते हैं, तो उस पॉइंट पर मार्किंग कर देते हैं। तो मार्किंग आप किससे करोगे? हाथ से तो नहीं कर सकते, तो ये स्टील की एक छोटी सी वो है, इससे हम चैन वो कर देते हैं। ये अपनी चैन हो गई। चैन के टाइप हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। एक आता है प्लम बॉब। प्लम बॉब का क्या काम है? जो अपन वो जो था अपना बड़ा सा डंडा वाला एरो, जो अपनी रेंजिंग रॉड थी, रेंजिंग रॉड बिल्कुल सही वर्टिकल खड़ी है कि नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है कि नहीं, तो उसको सही पता पाने के लिए किसका यूज करते हैं? प्लम बॉब का। अब प्लम बॉब के और भी यूज हैं, लेकिन यहाँ पर हाल फिलहाल केवल वो रेंजिंग रॉड को सही देखने के लिए करते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगी फील्ड बुक। ये फील्ड बुक का क्या काम है? इसका काम है कि जितने आप इसमें देखोगे, फील्ड बुक में लाइन जो है ना सीधी खड़ी लाइनें होती हैं, तो इसका पर्पज है कि जैसे आप उसमें जाओगे फील्ड में, और जितनी चैन मेजर करते रहोगे, कौन सी चैन पे क्या ऑब्जेक्ट मिला, ये सब चीज़ें कहाँ लिखोगे? कहीं तो लिखने को चाहिए ना, तो इस कॉपी में लिखते जाते हो। अब मुद्दा यहाँ आ जाता है क्रॉस स्टाफ का। यही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या इंस्ट्रूमेंट है जिसे अभी तक आपको नहीं बताया। तो देखो, जैसे आपको यहाँ पर बताया था कि ये 90 डिग्री एंगल बना रहे थे आप, या इसमें 90 डिग्री बना रहे थे, तो ये 90 डिग्री कैसे बनाओगे? वो कहीं ना कहीं ये क्रॉस स्टाफ की हेल्प से करते हैं। अब इससे कैसे करते हैं, इसे देखो। मान के चलो, यहाँ पर ए से
बी तक की लाइन आपकी पहले से है, यहाँ पर एक लाइन खींच रहे थे, तो अब ये खींचोगे कैसे? तो यहाँ पर ये डंडा जो है ये अपना क्रॉस क्रॉस स्टाफ है, तो इसमें ये जो दो है इन इन दोनों से तो आप इसको देख लोगे कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है कि नहीं, और ये जो दोनों है इन दोनों से इस साइड से देख लोगे, क्योंकि इनकी क्रॉस स्टाफ ऑलरेडी पहले से 90 डिग्री पे है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, बिल्कुल राइट एंगल पे बनेगा आपका। दूसरा ये तो है एक्चुअल में, लेकिन आज के टाइम पे पहले से ही ऑप्टिकल भी क्रॉस स्टाफ आता है। ये ऑप्टिकल में कैसा है कि ऊपर का हाफ है वो देखेगा इस साइड वाले पिलर को, और ये जो नीचे का हाफ है ये वाला देखेगा इस वाले पिलर को। और जब ये ऊपर के और नीचे के पिलर बिल्कुल कट रहे हो, मतलब इनके बीच का एंगल बिल्कुल 90 डिग्री है, तो ये क्रॉस स्टाफ ऑप्टिकल वाला ऐसे काम करता है। तो अपने जो इंस्ट्रूमेंट थे वो आप देख चुके हो, और इंस्ट्रूमेंट पूरे हो गए। लास्ट में फील्ड बुक है, पेंसिल है, रबर इरेजर, इनका कोई मतलब नहीं है, आप समझ, इन्हें इजली है, कॉमन है। ओके, अब देख लेते हैं इसका प्रोसीजर कैसे होता है। देखो कोई भी सर्वे हो, रोड के टाइम पे भी यही बताया था कि कोई भी सर्वे हो तो ऐसा नहीं होता कि हमने बस मोए उठाया और ज़मीन पर जा करके चैनिंग करने लगे, यानी कि उसकी मेजरमेंट करना शुरू कर दिया चैन से। सबसे पहले हम उस एरिया में जाते हैं और एक मोटा मोटी तौर पे हम ये देखते हैं कि वो एरिया का कैसा एरिया है, कहाँ पर क्या है, मीन्स एक जनरल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं उसका। तो इसे बोलते हैं हम रिकोनाइजेंस। नोट्स में आपको पूरा मिल जाएगा कि इसमें क्या क्या करना है, बस मेन पर्पज है कि उस एरिया में जाओगे, ये देख लोगे कि कहाँ पर क्या है, हमें कैसे मेजरमेंट करना चाहिए, किस किस को हमें बेस स्टेशन बनाना चाहिए, कहाँ पर क्या आ जाएगा अपना, क्योंकि आप एक्चुअली जो सर्वे कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, फालतू थोड़ी बैठे हो, कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन करना है उसके लिए आप सर्वे कर रहे हो, ठीक है, या कोई डाटा कलेक्ट करना है। तो ये रिकोनाइजेंस सर्वे के बाद आप क्या करते हो कि डायरी जो होती है आपके पास उसमें एक रफली स्केच बना लेते हो उस एरिया का, जिससे आपको जो आइडिया आया था वो आपके पास बचा रहा है। उस स्केच को बोलते हैं इंडेक्स स्केच, क्योंकि एक टाइप से वो इंडेक्स का काम करता है अपनी बुक को आगे खोलने के लिए। फिर इसके बाद फिर वो मज़दूरों को साथ में लेके आते हो और फिर चैन से मेजरमेंट करना शुरू कर देते हो। तो जब चैन से मेजर करते हो तो क्या बोल देते हो, उसे चैनिंग, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्रोसीजर वाला पार्ट। अब मुद्दा आता है ऑब्स्टेकल। जब आप चैन को मेजर करते हो चैन से, तो आपके सामने तीन टाइप की समस्याएं आती हैं। पहली ऐसी समस्या है, एक एक करके ने देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर पहले काफ़ी क्वेश्चन आए और आजकल भी आने के चांस बनते हैं। पहली ऐसी समस्या है जिसमें आप चैन तो कर सकते हो, मतलब ए प्लेस से बी पे जाना है, आपको आपके पास ए प्लेस है और आपको ए से बी पे जाना है, तो आप जा किधर से भी सकते हो, इधर से जा सकते हो या इधर से जा सकते हो, लेकिन आप ए से बी पॉइंट को देख नहीं सकते, मतलब आपको विजन में ऑब्स्ट्रक्शन है लेकिन चैनिंग फ्री है। तो आप ऐसे केस में आप क्या करते हो, मान के चलो आप जो जैसे सर्वे करते चले आ रहे थे इस साइड से, तो आप यहाँ पर एक रैंडमली ऐसी लाइन डाल दिए, ठीक है, और आप एक एंगल यहाँ से मेजर किया और इस पे चले आए, ठीक है। यहाँ पर आप सपोज डी पॉइंट पे आ गए या ई पॉइंट पे आ गए, और फिर यहाँ पर 90 डिग्री का उससे क्रॉस स्टाफ यूज किया और 90 डिग्री लेके इधर चले, इस पे भी यहाँ पर जाओगे, ठीक है। इसका जो एंगल था, एंगल के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइन निकाल करके यहाँ सीधे आगे बढ़ जाओगे। इसकी डिटेल कैसे करना है वो आपको नोट्स में दे दिए, बस कॉन्सेप्ट सेम है। ये कौन सी समस्या है जहाँ आपका विजन ऑब्स्ट्रक्ट होता है लेकिन आप चैनिंग कर सकते हो, ठीक है। दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरी समस्या ये है कि जहाँ आपकी चैनिंग ऑब्स्ट्रक्ट है, आपको दिखता तो साफ है लेकिन आप चैनिंग नहीं कर सकते, कैसे? जैसे कोई बीच में तालाब पड़ गया, अब ये तालाब वाले का क्या किया भाई, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, यहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे और कुछ मीटर इधर साइड तक जाएंगे, इसके बाद फिर 90 डिग्री करके एफ तक आएंगे, फिर 90 डिग्री करके डी तक आएंगे और फिर इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, तो अपना क्या होगा, यहाँ पर जो सी डी आएगा वो बराबर ई एफ की होगा, मतलब अपनी डिस्टेंस सीधी निकल गई, आगे चलते चलेंगे। दूसरा मुद्दा आता है, अगर कोई रिवर आ गई तो फिर उस केस में क्या करते हैं, जैसे अपन ए से जा रहे थे तो हम सी तक आ गए थे,
सी से क्या करते हैं, एक बंदे को खड़ा कर देंगे बी पे, चैनिंग नहीं कर सकते हो लेकिन आप देख तो सकते हो ना। तो ए से ये देखा जाएगा कि सी वाला बिल्कुल बी की लाइन में है, ये बिल्कुल लाइन में है, ठीक है। अगर आपने एक बार इन्हें लाइन में देख लिया, अब फिर क्या करोगे, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना करके ई की तरफ जाओगे, एक कुछ डिस्टेंस तक जाओगे, मतलब 20 मीटर 25 मीटर या 100 मीटर ई पे पहुँच करके फिर आप 90 डिग्री बनाओगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर ध्यान ये देना है आपको कि सी और ई, सी और ई इनका जो बिल्कुल एक्जैक्टली मिड पॉइंट होगा एफ, यहाँ पर आप एक पोल लगा दोगे, जिसे अपन रेंजिंग रॉड नहीं बोलते थे, वो रेंजिंग रॉड लगा दोगे या एक पोल लगा दिया। अब इसके बाद आप ई से सीधा इधर को देखना, मूव करना शुरू कर देते हो। तो जैसे देखो ई पे है तो आपका जो दिख रहे होगे तो वो बिल्कुल इस टाइप से दिख रहा होगा, मतलब एफ है वो सी को काटेगा, लेकिन जैसे ही आप इधर को मूव करोगे आपका विजन जो है वो एफ का इधर को जाएगा। यहाँ तक आते आते ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब एफ है वो सीधा बी को काट रहा होगा, तो जहाँ एफ ने बी को काट दिया वहीं पर आप रुक जाओगे, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये एंगल बराबर है, तो ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल बन गए। तो यानी कि आपने डिस्टेंस मेजर कर ली तो आपको बी का आइडिया पड़ गया, सी तक आपने ए से सी तक तो पहले ही मेजर कर रखा था, तो आपका काम हो गया, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ओके, अब तीसरी समस्या, ये वो समस्या है जिसमें ना तो आप सामने देख सकते हो और ना ही, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन दोनों ही में है, चैनिंग भी नहीं कर पा रहे हो और देख भी नहीं पा रहे, डायरेक्ट चैनिंग भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते। तो आप क्या करो, कुछ नहीं, बस वही पुराने वाला तरीका है, यहाँ पर हम 90 पे डालेंगे, फिर 90 पे डालेंगे, दो लाइन पे, दो का क्यों कर रहे हैं, जिससे कि आपके बीच में बिल्कुल एरर के चांसेस ना हो। कुछ मीटर पे इधर गए, कुछ मीटर पे इधर गए, इनके बीच की यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ की डिस्टेंस सेम होगी, और ये कर्ण वाला भी हम मेजर कर लेते हैं जिससे गलती होने के चांस हो ही ना। एक बार मेजर कर लिया फिर हम यहाँ से यहाँ आगे आ जाएंगे, वही कार्यक्रम यहाँ करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर अपना ये सॉल्व हो जाता है चैनिंग का। ओके, अब देख लेते हैं चैनिंग की एक्सरसाइज। पहले देखो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वेइंग इन फॉरेस्ट्री, इसे हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। डिफरेंट मेथड ऑफ सर्वेइंग, अब ये डिफरेंट मेथड ऑफ सर्वेइंग है उसे देख चुके थे, लेकिन वहाँ पर एक पॉइंट था जो नहीं बताया था, मेथड ऑफ सर्वेइंग मतलब सर्वेइंग के टाइप, तो काफ़ी देख रखे थे, मैराइन सर्वे है, कैडास्ट्रल्टर सर्वे है, टोपोग्राफिक सर्वे है, मैराइन है, लैंड है, एस्ट्रोलॉजिकल है, वहाँ पर एक आपको नोट्स में और मिलेगा कि कंपास सर्वे, प्लान टेबल सर्वे, इन्हें इसलिए नहीं बोला था चैन सर्वे, कंपास टेबल, प्लान टेबल सर्वे को वहाँ पर, क्योंकि आप जब पढ़ोगे एक बार तो खुद ही हो जाते हैं, ठीक है। अब मुद्दा था यहाँ पर क्वेश्चन का फॉरेस्ट फील्ड प्रॉब्लम्स, इस क्वेश्चन को पहले दो पार्ट देख चुके थे, मैंने अपना ऑब्जेक्ट बचा था कि फॉरेस्ट फील्ड की इशू क्या है, तो आपको यहाँ पर तीन ऑब्स्टेकल समझ में आ गए, यही फॉरेस्ट फील्ड के इशू है, कि या तो आपका विजन में होता है या मेजरमेंट करते समय ऑब्स्टेकल आता है, या दोनों में ऑब्स्टेकल आते हैं, और इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा नीचे का क्वेश्चन देख लो 2011 का, डिस्क्राइब हाउ यू वुड कंटिन्यू द लाइन विथ चैन ओनली व्हेन लार्ज रिवर इंटरप्ट द चैन लाइन, मतलब इसमें क्या हो रहा है, विजन तो है लेकिन चैनिंग में इंटरप्शन है। दूसरा, अ फॉरेस्ट एरिया कम्स अक्रॉस द चैन लाइन, मतलब आप जहाँ पर मेजर कर रहे थे, सपोज आप प्लान में जा रहे थे और बीच में फॉरेस्ट एरिया आ गया, मतलब आप फॉरेस्ट के अंदर घुस करके चैन नहीं कर सकते, तो आपको एरिया के साइड से जाना पड़ेगा, मतलब आप चैनिंग तो कर सकते हो लेकिन विजन की प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो आगे जाते हैं, एक्चुअली हम फॉरेस्ट में सर्वे करते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो हमारे एकेडमिक बुक्स होती हैं वो सभी इंजीनियरिंग वालों की होती है, तो इंजीनियरिंग वालों के लिए फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होता है इस टाइप की चैनिंग में, सर्वे में, तो वो इसलिए जो एग्जाम्पल होता है उनके पे, वो जनरली फॉरेस्ट को एक ऑब्स्टेकल के लेके चलते हैं, और वही ये एकेडमिक बुकों में आ रखा है, तो इसलिए जो क्वेश्चन आया आपके वो सीधे सीधे उन्होंने फॉरेस्ट को एक ऑब्स्टेकल बता दिया। ओके, आगे चलते हैं अगला चैप्टर की तरफ, ये है कंपास सर्वे। ओके,
तो पहले तो देख लो कपास सर्वे का इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस की बोला जाए तो लगभग हर साल ही का क्वेश्चन आया है, ऐसा नहीं कि 17 में नहीं आया था लेकिन 18 में भी आया था। उसमें पूछा था मेथड ऑफ सर्वेइंग कि जो फॉरेस्ट्री की समस्याएं हैं उनको ऐसे मेथड जो उन समस्याओं को सॉल्व कर सकें। अब ये 8 मार्क में था तो आप तीनों ही मेथड हैं चैन सर्वे भी यूज कर लेते हैं, जैसे अपन पिछले चैप्टर में देखा था कि कैसे चैन सर्वे में आप वो तीन टाइप की जो समस्याएं थी उन्हें सॉल्व की, वैसे ही कंपास में भी कर लेते हैं और वैसे ही आगे प्लान टेबल में भी कर लेते हैं। तो कंपास भी कहीं ना कहीं वो सॉल्व करने में आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिंक क्वेश्चन डाला है। ठीक है, रिमेनिंग जो है वो उसी से रिलेटेड टर्म है, इन्हें एक एक करके सभी सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कंपास सर्वे में हम पढ़ेंगे क्या। तो पहले तो हमें देखना है इसका कॉन्सेप्ट है क्या और हम इसे अप्लाई कब करेंगे, मतलब बिल्कुल वही जहाँ चैन सर्वे फेल हो जाएगा वहाँ हम कंपास सर्वे को अप्लाई कर लेंगे। फिर प्रिंसिपल देख लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल अलग होगा तभी तो ये कंपास सर्वे यूज़ हो रहा है जहाँ चैन सर्वे फेल हो रहा है। फिर इसमें यूज समय कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे उन्हें देख लेंगे और रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसे, बाद में प्रोसीजर देख लेंगे और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, और अपना चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो पहले तो देख लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, मतलब जो अपना चैन सर्वे था वो कहाँ पर फेल हो रहा था। आपको पता है कि तीन जगह था कि लार्ज एरिया है, अंड्यूलेटिंग प्लेन है और क्राउडेड ज़्यादा हो एरिया, तो वहाँ पर चैन सर्वे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चैन सर्वे के लिए आपको तीनों पॉइंट देखना ज़रूरी है और जब क्राउडेड होगा तो वो तीनों पॉइंट विजिबल नहीं होंगे तो वो नहीं कर पाता है। दूसरा, बड़े जब एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो वहाँ ट्रायंगल ट्रायंगल बहुत बड़े छोटे हो जाते हैं, तो वो भी एक समस्या खड़ी करते हैं। ठीक है, और अंड्यूलेटिंग में तो फिर ट्रायंगल सही से बन ही नहीं पाते हैं। तो ये उसकी समस्याएं थी। तो उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अपन क्या लेके आए, कंपास सर्वे। कंपास क्या है? देखो कंपास तो आपको पता है मैग्नेटिक कंपास है। अब ये सर्वे क्या करेगा कि जैसे ए है, ए से जब आप बी पॉइंट पर जाओगे तो आप सीधे चले गए चैनिंग करते समय, बी से जब सी पे जाओगे तो आप कंपास से इनके बीच का जो एंगल है वो मेजर कर लोगे। अगर आपको एंगल पता है तो आपको ये पता है कि ए से सी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। बिल्कुल आप पूरा निकाल सकते हो, बस वैसे ही चलेगा। पर सी से ई पे, डी डी से ई पे और ई से वापस आ गए तो ई पे, तो आप इसे आसानी से कर सकते हो, मतलब आप उस एरिया को निकाल सकते हो कि ये टोटल कितना बड़ा एरिया है। या फिर आप अगर सपोज कोई जो ऑब्जर्वर है वो ए से डी पे गया और डी पे ही रुक गया, तो आप ए से डी के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रैवर्जिंग। ट्रैवर्जिंग मतलब इसमें जो ऑब्जर्वर है वो मूव करता है, ट्रेवलिंग टाइप का ट्रैवर्ज करता है। अब ट्रैवर्जिंग दो टाइप का हो सकता है, या तो क्लोज ट्रैवर्जिंग मतलब ए से शुरू होगा और वापस ए पे आ जाएगा, या ओपन ट्रैवर्जिंग वो ए से शुरू तो होगा लेकिन वापस नहीं आएगा ए पे। ठीक है, जैसे नदी के किनारे किनारे चल रहा है तो ये हो गया ओपन ट्रैवर्जिंग। आपने कभी कभी देखा होगा रोड पे चलते हैं, रोड के किनारे किनारे कभी बस निकली हो तो रोड के साइड में जो हाईवे पे जो लोग मेजरमेंट करते रहते हैं, डंपी लेवल लेके खड़े रहते हैं, तो वो भी एक टाइप से ओपन ट्रैवर्जिंग कर रहा है। ओके, तो आपका प्रिंसिपल समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि चैन सर्वे कहाँ फेल हुआ था, तब हम इसे कंपास ले रहे हैं। अब देख लेते हैं कि जब हम एंगल लेते हैं तो एंगल मेजरमेंट के लिए क्या यूज कर रहे हैं, हम कंपास। कंपास यूज कर रहा है इसलिए तो हम कंपास सर्वे बोल रहे हैं। तो आप कंपास यूज करेंगे तो पहले हमें कंपासों के बारे में समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर जनरली हम कंपास के बारे में बोला जाए तो यूजली हम चार टाइप के कंपास जानते हैं। यहाँ पर अपने लिए काम किए हैं दो कंपास इस चैप्टर में, और एक तीसरे नंबर का कंपास है वो आगे आएगा। तो पहला ये कंपास है, इसे बोलते हैं प्रिज्मेटिक कंपास, क्योंकि इसका ये जो पहला पार्ट है यहाँ पर लगा होता है प्रिज्म। तो जब हम यहाँ पर एक आईपीस है, मतलब एक छेद होता है होल, वहाँ से जब देखते हैं, यहाँ से सीधा ये बाहर में से देखते हैं इस साइड को, तो उसमें सामने डायरेक्शन भी एक साइड दिखती है और वो प्रिज्म जो होता है वो नीचे की साइड पर क्या एंगल है वो भी एक साथ दिखता है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं प्रिज्मेटिक कंपास। दूसरा कंपास ये है सर्वेयर कंपास। ठीक है, सर्वेयर, इसमें प्रिज्म वाली चीज़ नहीं है। तो इसमें यहाँ पर जो एक है पेन, इसमें सीधे होल हैं और यहाँ पर दूसरे में है, यहाँ पर एक सीधा सीधा स्लिट होता है उसमें से देखते हैं। ठीक है,
एंगल के लिए क्या करेगा, ये अपना कंपास है। तीसरा होता है पॉकेट कंपास, जैसे जैक स्पैरो टाइप का, जो लोग अपने पॉकेट में लेके चलते हैं, आजकल तो मोबाइल पे भी आ रहा है सॉफ्टवेयर में, तो एक्चुअली उसका हार्डवेयर मोबाइल के अंदर होता है। और चौथा होता है ट्राउट कंपास, इसे अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इन कंपासों को एक एक करके पढ़ते हैं। पहले आएगा अपना प्रिज्मेटिक कंपास, इनकी स्ट्रक्चर ध्यान दो। प्रिज्मेटिक कंपास में पहले तो देखो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, प्रिज्म, यहाँ पर दो लगे हैं गिलास, ये यहाँ पर वैन होगी जिसमें एक बीच में वायर होगा, ठीक है। इन सब के बाद ये तो खाली पीली की चीज़ है, यहाँ पर देखो ये है इसकी निडल मीन्स नॉर्थ साउथ की, इसके साथ साथ ही एल्यूमिनियम की एक रिंग लगी होती है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम की रिंग मैन नेडल से जुड़ी हुई है, तो जैसे ये होती है पूरी पूरी ये रिंग घूमती है। तीसरी बात, इस जो रिंग है, जो एल्यूमिनियम की रिंग है, इस पे जो मार्किंग होती है वो पूरी पूरी 360 डिग्री होती है। 0 डिग्री होगा नॉर्थ पे, इसके बाद पूरी पूरी 360 डिग्री तक होती है। कितने तक? 360 डिग्री तक। बस इन चीज़ों को थोड़ा याद रखना है। इसके अलावा जो बकाया की स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो आप इसमें मैप में देख लोगे, ये इस पिक्चर में देख लोगे, जितना याद हो जाए देख लो। बकाया की खाली पीली चीज़ें होती, कोई भी नेडल है वो एक किसी न किसी पाइवोट पे टिकी होगी, ठीक है। ऊपर से हम गिलास लगा देते हैं, बस सिंपल सी। इसमें दुनिया भर की चीज़ें होती है, हर चीज़ को याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए कि इसमें एक प्रिज्म होता है, बीच में नेडल होगी, एल्यूमिनियम की सर्कल होगा, एक रिंग होगी एल्यूमिनियम की जो निडल से कनेक्टेड होगी, नीचे एक पाइवट होगा जिस पर ये रिंग रखी होगी या जिस पर ये पूरी निडल रखी होगी, और सामने एक वैन होगा जिसमें एक स्लिट होगी और जिसमें एक वायर लगा होगा जिससे हमें देखना है, ओके। ये है प्रिज्मेटिक कंपास, और इसमें मैंने बोला कि ये 360 तक का जो मेजरमेंट होता है वो। दूसरा कंपास देख लो, अब ये प्रिज्मेटिक कंपास यूजुअली रखते कैसे हैं, जैसे ये रखा हुआ है ट्राईपॉड पे। दूसरा कंपास देख लेते हैं, ये है सर्वेयर। देखो जो सर्वेयर सर्वे करने वाले होते हैं, ये प्रिज्म के चक्कर में पड़ेंगे ना तो गिर गुरुजा या दुनिया भर का टूटने का झंझट होता है। इनका बहुत सिंपल सा रहता है। पहला डिफरेंस इनका, इनकी जो देखो निडल है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। इनके में एल्यूमिनियम रिंग सर्कल जुड़ी नहीं है, इनके में एल्यूमिनियम रिंग है, ये देखो साइड में पड़ी हुई है। दूसरी बात, उनके में जो एल्यूमिनियम रिंग थी उसमें 360 तक था, 0 से 360। इनके में क्या होता है, नॉर्थ जो होगा, नॉर्थ 0 होगा, साउथ 0 होगा, और ये 90 तक जाएंगे। तो यहाँ से आएगा 10, 20, 30, 40, 50, 80 तक जाएगा और फिर 90 यहाँ हो जाएगा। वैसे यहाँ से आएगा 10, 20, 30, 40, 50, 80 और 90 हो जाएगा, और फिर इधर को 90 जाएगा, इधर को 90 जाएगा। तो एक्चुअली ये जो सर्वेयर कंपास है उसमें मैक्सिमम जो मेजरमेंट है वो 90 तक ही हो सकता है, 90 से ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। दो इसके वो स्लेट होगा, इसमें मूवेबल पार्ट में एल्यूमिनियम नहीं है, ये बात समझ में आ गई आपको, ओके आगे चलते हैं। तो आपको दोनों कंपास समझ में आ गए, आपको प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। अब इसके साथ साथ एक टर्म और होता है, वो टर्म यूज होता है बियरिंग। तो एक्चुअली बियरिंग का मतलब क्या होता है, बियरिंग का मतलब होता है एंगल। जैसे आपकी बियरिंग होती है, जो अपने जनरली बियरिंग ही टर्म यूज करते हैं मोटर वगैरह में, हर जगह तो है, आपके ऊपर जो फैन भी टका है उसमें भी यही बियरिंग होगी, ठीक है। तो बियरिंग मीन्स एक पर्टिकुलर एंगल, ओके। अगर आपसे मैग्नेटिक बियरिंग की बात की जाए तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके यहाँ का जो मैग्नेट है, यानी कि आपके आप जो भी डायरेक्शन या आप अपने पेपर पर जो भी लाइन खींच रहे हो, वो मैग्नेटिक जो लाइन होगी उससे किस एंगल पर है, यानी कि वो उसका एंगल कितना बन रहा है, वो हो गया उसका मैग्नेटिक बियरिंग, ओके। तो एक्चुअली अपने यहाँ सर्वेइंग में दो टाइप के टर्म यूज़ होते हैं, एक होता है होल सर्कल बियरिंग और दूसरा होता है रिड्यूस बियरिंग। ये दर टर्म यूज़ किए जाते हैं और इन पर क्वेश्चन भी आए हुए हैं, इन्हें एक एक करके समझेंगे। पहले आता है होल सर्कल बियरिंग। होल सर्कल का क्या मतलब, मैंने आपसे बोला था सर्वे, पहले बोला था प्रिज्मेटिक कंपास जिसमें मार्किंग कितने तक होती है, 360 तक। तो इसमें ऐसे समझो कि मान के चलो एक बंदा था जो ए पे था, इसने क्या है लाइन खींची, तो इसने एक बंदे को खड़ा किया बी पॉइंट पे और इसने यहाँ से चैनिंग की। तो ये वाला जब बी वाले को देखेगा
बी वाले को देखेगा तो ये नॉर्थ जो है, नॉर्थ से इसका एंगल देखेगा। तो इसे सपोज मैं पता पड़ गया कि इसका नॉर्थ से जो एंगल है वो है 80 डिग्री, मतलब बेयरिंग जो है ए पॉइंट पे वो बेयरिंग कितनी है 80 डिग्री। अब ये कंपास लेकर के पहुंच जाएगा बी वाले पॉइंट पे, ठीक है, और बी वाले पे जो बंदा था जो पहले बी पे खड़ा था उसे पहुंचा देगा सी पे, ठीक है। अब अगर यही जो बंदा था जो यहाँ पर कंपास लेके पहुंचा था वो अगर सी के साथ देखेगा बेयरिंग तो कहाँ से निकालेगा, ये जो नॉर्थ था नॉर्थ के साथ, ठीक है, इसने यहाँ का एक एंगल निकाल लिया नॉर्थ के साथ। दूसरा अगर ये पीछे वापस ए वाले पॉइंट को देखना चाहे तो कैसे देखेगा, ये यहाँ से पूरा का पूरा एंगल ये वाला देखेगा, ठीक है, ये ऐसा वाला नहीं देखेगा, ये पूरा पूरा एक ही देखेगा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। और इसकी जो डिजिट आएगी वो पूरी 180 के ऊपर, मतलब जैसे 260 रखी है तो इस टाइप की डिजिट आएगी उसकी। तो ये होल सर्कल का मतलब जब भी बेयरिंग मेजर किया जाता है वो पूरी एक ही सर्कल में पूरे सर्कल तक किया जा सकता है, कहीं आपको लिखने में वो 250 359 तक मिल सकता है, वो एक डिग्री नहीं लिखेगा, वो 359 ही लिख देगा। तो इस टाइप की बेयरिंग मिलती है, इसमें क्या होता है होल सर्कल, मतलब आप पूरे पूरे सर्कल तक कवर करते हो, ठीक है, ओके। तो जब दूसरा मुद्दा आता है रिड्यूस बेयरिंग का, इनने बोला कि ये हर जगह 360 तक गिनती करने की हमें आदत नहीं है, हमें भाई सस्ते में काम चलता है, मतलब हम ज़्यादातर हमें जो काउंटिंग है ना, बचपन में थोड़े सरकारी स्कूल में पढ़े थे तो काउंटिंग थोड़ी गड़बड़ है। तो इन्होंने बोला कि भाई एक ही काम करते हैं हम जो जीरो है आपका वो हम नॉर्थ पे भी लिख देंगे और साउथ पे भी लिख देंगे, और ईस्ट वेस्ट पे ना हम 90 लिख देंगे। तो जब भी इस टाइप की कोई लाइन थी, सपोज इस पॉइंट से आप इस टाइप को गए थे, तो बोला इसका जो भी एंगल होगा अगर वो नॉर्थ से पड़ गया तो हम नॉर्थ से लिख देंगे, और इसका जो डाटा लिखा जाएगा उसे हम लिख देंगे कि नॉर्थ ईस्ट और जो भी एंगल आएगा वो, अगर हम नॉर्थ वेस्ट वाले का मुद्दा है तो हम वहाँ पर जो भी एंगल आएगा उसे लिख देंगे और लिख देंगे नॉर्थ वेस्ट। तो हम इस टाइप से जुगाड़ से काम चला लेंगे, हमें ये ज़्यादा लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी मतलब बड़ी बड़ी गिनती के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो इस टाइप के जो लिखे जाते हैं वो ये होगा। अब देखो जो रिड्यूस बियरिंग है इसी को बोला जाता है क्वाड्रेंटल बियरिंग। क्वाड्रा का मतलब क्या हुआ, चार। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग मतलब ऐसी बियरिंग जिसके चार पार्ट हो। तो यहाँ पर क्या है, आपने उसके चार ही पार्ट तो कर दिए, एक ये दूसरा ये, तो एक दो तीन और चार, चार पार्ट कर रखे हैं आपने, क्वाड्रेंटल बियरिंग हो गया। तो आप ये समझ सकते हो कि एक्सप्लेन द टर्म होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल सर्वे आपके काम का हो गया, इसे आप आसानी से कर सकते हो, ओके। दो टर्म और आते हैं, एक होता है फोर बियरिंग और दूसरा होता है बैक बियरिंग। ये क्या होते हैं समझ लेते हैं। फोर का मतलब होता है आगे और बैक का मतलब होता है बैक साइड। आप पॉइंट ए पे थे, आपने पॉइंट बी पे जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसकी ये डाटा जो मेजर किया था, तो यहाँ का जो एंगल आएगा इसको क्या बोलते हैं, फोर बियरिंग, क्योंकि यहाँ ए वाले ने बी को आगे जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था, जिस डायरेक्शन में चैनिंग कर रहा था, उसी डायरेक्शन में उसने एंगल मेजर किया, तो इसे बोलेंगे अपन फोर बियरिंग। अब अगर केस में जब ये ऑब्जर्वर ने ए पे इसने मेजर कर लिया, अब ये जाता है बी पे, बी पे खड़ा होकर के सी पे कोई बंदा खड़ा है और ये इस लाइन का एंगल मेजर करता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे भी फोर बियरिंग बोलेंगे। लेकिन अगर बी पे खड़ा होकर के ए पॉइंट की फिर से एंगल लेता है तो इसे हम बोलेंगे बैक बियरिंग, क्योंकि ये जिस लाइन से आ रहा था ये पीछे की साइड वापस मेजर कर रहा है। ये पीछे की साइड मेजर क्यों करता है, क्योंकि जो इधर से जो 80 था, इधर का जो 80 था और इसका जो 260 होगा, उसमें लोग टोटल जो काउंट होगा वो इस टाइप से आता है कि उसमें 90 की थोड़ी कमी रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ डिग्री का एक एवरेज आता है उसमें, अगर इनके बीच में गड़बड़ है मतलब इसकी जो बियरिंग है वो सही नहीं है, ओके। इसके साथ साथ कंपास में आपको मैंने तो नहीं दिया लेकिन कुछ बुक्स में आपको खाली पीली के टर्म मिलेंगे, किससे रिलेटेड, मैग्नेट से रिलेटेड, पूछेंगे मैग्नेटिक मेरिडियम, ट्रू मेरिडियम, ये मेरिडियन वो मेरिडियन, ये खाली फिली के टर्म हैं, अच्छे टर्म हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो 2019 वाले हैं इनके बिल्कुल काम के नहीं है, क्योंकि कोई तुम्हें
पीएचडी तो करवाना नहीं है, सेकंड थिंग इन पे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आए और ऐसे कोई क्वेश्चन आने वाले भी नहीं है। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है लेकिन उसका करोगे क्या जान के। आगे चलते हैं। अब मुद्दा भैया कि कंपास को करोगे कैसे, कंपास सर्वे करोगे कैसे, मतलब उसका प्रोसीजर। तो प्रोसीजर भैया चैन सर्वे जैसा, सेम टू सेम। बस ये है कि पहले किसी एरिया में जाओगे और उसका रिकॉग्नाइजेंस करोगे, फिर एक इंडेक्स स्केच बनाओगे और फिर उसमें चैनिंग करोगे। बस ये है कि चैन के टाइम पे जो एंगल करते थे वहाँ पर आपके दो ही एंगल बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो सबसे गरीब वाले लोग थे ना उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या था, या तो आपके पास जो क्रॉस स्टाफ था वो था, या फिर चैन में 3-4-5 का एक फार्मूला होता, उससे 90 डिग्री का ट्रायंगल बन जाता, तो इसलिए आप ट्रायंगल बना बना के काम चलाते थे। अब आपके पास कंपास आ गए, थोड़े पैसे मिल गए थे पॉकेट मनी के, कंपास खरीद लिया, तो अब आप वो ट्रायंगल से के जो चंगुल से थे वो छूट गए। तो बस ये है, लेकिन चैन तो अभी भी करोगे, चैनिंग करोगे। और ये ट्रेवर्ज क्या हो सकती है, या तो ओपन होगी या क्लोज हो जाएगी। अब मुद्दा इसके एडवांटेज क्या है, किसके, कंपास सर्वे के। तो एडवांटेज आपको पता है वही, जहाँ चैन सर्वे फेल हो जाता है। तो क्या क्या एडवांटेज है, कि हम अंड्यूलेटिंग हिली टोपोग्राफी में भी कर सकते हैं, क्राउडेड एरिया हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कितना भी हो चल जाएगा। लेकिन इसके चैलेंजेस क्या है, वही मेजरमेंट से रिलेटेड। इसके साथ सबसे बड़ी बात, आप यूज क्या कर रहे हो, आपका सबसे बड़ा हथियार है कंपास। अगर एरिया है वहाँ पर जो सर्वेयर है जो मेजर कर रहा है, सपोज मोबाइल लिया है या कोई ऐसे मैग्नेटिक फील्ड वाली चीज़ है जो उसके पॉकेट में पड़ी है, तो ये कंपास है ना सही डायरेक्शन नहीं बताएगा। दूसरा, आसपास कोई इस टाइप का मैग्नेटिक एनोमैली हो तो वहाँ पर भी ये कंपास सर्वे फेल हो जाता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक इसे सही से डायरेक्शन नहीं देगी, ठीक है। तो ये इसके इशू आ जाते हैं, मैग्नेट से रिलेटेड इशू है इसके। तीसरा, स्किल का भी थोड़ा इशू है, ह्यूमन एरर, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल गया कि हाउ इज कंपास सर्वे डन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कंपास सर्वे। अब इसकी देख लेते हैं एक्सरसाइज, वो कि फील्ड की प्रॉब्लम क्या है आप कंपास सर्वे से समझ सकते हो कि कैसे करोगे। इसके बाद है मेथड ऑफ यूजिंग प्रिज्मेटिक कंपास इन फॉरेस्ट सर्वे। अब देखो, मेथड ऑफ यूजिंग प्रिज्मेटिक कंपास है, तो इसका मतलब ये थोड़े कि प्रिज्मेटिक कंपास को कैसे यूज करोगे फॉरेस्ट सर्वे में, कि फेंक फेंक के मारूंगा जितनी दूर जाएगी मैं मेजर कर लूँगा, तो प्रिज्मेटिक कंपास का ये तो कर नहीं सकते। मतलब क्या करोगे, बियरिंग मतलब है, ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका मतलब है आप कंपास से क्या निकालोगे, एक तो निकालोगे एंगल, दूसरी निकालोगे डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब आपको ये पता है कि नॉर्थ ईस्ट साइड है, तो आप जिस साइड में जा रहे हो, जिस साइड में चैनिंग कर रहे हो, उसकी डायरेक्शन कैसी है नॉर्थ से, यानी कि नॉर्थ से उसका पर्टिकुलर एंगल कितना है, ये तो कर सकते हो। तो बस एक ही चीज़ है जो निकालोगे, या तो नॉर्थ से या साउथ से, किसी भी साइड से उसकी डायरेक्शन को मेजर किया जा सकता है, यानी कि एंगल निकाला जा सकता है। दूसरा, वो होल सर्कल और रिड्यूस बेयरिंग का इशू आता है, और इससे ज़्यादा कोई कंपास का यूज नहीं होता, कोई इतना बड़ा हथियार नहीं है कि इससे जंगल में आग लगा दो। आगे चलते हैं। अब अपना लास्ट टॉपिक आ जाता है इसमें, वो है प्लान टेबल सर्वे। ओके, अब देखते हैं प्लान टेबल सर्वे। ये सर्वे ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जितना सिंपल है उतना ही सबसे ज़्यादा टिपिकल। तो पहले अपन वही जो अपने प्लेयर होते हैं उनके हिसाब से चलते हैं। तो पहले तो देखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, देखो चैन सर्वे का था ट्रायंगल वाला, ट्रायंगुलेशन। कंपास सर्वे का क्या था, ट्रेवर्जिंग, घूमना। और इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका है पैरेललिज्म, पैरेलल चलना। ये पैरेललिज्म है क्या, जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये प्लान टेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली इसमें एक टेबल यूज करते हैं ये जो, इसलिए हम इसे बोलते हैं प्लान टेबल। इसमें होता क्या है, ये तीन ट्राइपॉड हो गए, तीन पैर का ये ट्राइपॉड होता है, उसके ऊपर ये प्लान टेबल अपनी रखी होती है, ठीक है। ऐसे कैसे करते हैं उस पर देखते हैं पहले। तो सबसे सपोज एक पॉइंट है ए, एक जो मेजर करने वाला बंदा है थोड़ा खिसका हुआ है, तो ये पॉइंट ए पर रहता है, ठीक है। वहाँ पर अपना ट्राइपॉड लेकर के आ जाता है, और उसने ट्राइपॉड को वहाँ रख दिया पॉइंट ए पर, ठीक है। अब ये, और एक बंदा है जिससे बोल रखा है कि जाकर बी पे खड़े हो जाओ, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या करेगा, ये कंपास जो है इसे बोलते हैं ट्राउट कंपास। कौन सा कंपास, ट्राउट कंपास।
इस कंपास से ये जो टेबल है इसको वो इस हिसाब से अरेंज करेगा कि ये बिल्कुल ये ट्राउट कंपास को इस टेबल की कुन्नई पे अरेंज कर देगा, रख देगा और वो मार्किंग कर देगा, मतलब फिक्स कर देता है वहाँ पर ट्राउट कंपास को। और इस हिसाब से ये क्या करेगा कि जैसे ट्राउट कंपास होगा यहाँ पर इस पर लिखा होता है जीरो और इधर भी होता है जीरो, मतलब 0° नॉर्थ 0° साउथ। तो ये टेबल को ऐसे अरेंज करता है कि टेबल बिल्कुल नॉर्थ साउथ में हो, मतलब ट्राउट कंपास पे यहाँ पर भी जीरो और जीरो पे ये निडल है वो 0° पे हो, ठीक है। तो इस टाइप से जब जो टेबल को ओरिएंट करते हैं बिल्कुल नॉर्थ साउथ में, उससे टर्म यूज कर किया जाता है ओरिएंटेशन। ये आपके नोट्स के साथ वो 4-5 पेज है बुक के, उनमें सही से लिखा हुआ है, तो वहाँ से देख के बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले सबसे इसने क्या किया, पहला काम किया इसने ओरिएंटेशन का। जब इसका ओरिएंटेशन का काम हो गया तो फिर ये एक दूसरा हथियार उठाता है, उसे बोलते हैं यू फॉर्क। क्यों? क्योंकि ये यू शेप की होती है, यू फॉर्क। इसमें ऊपर एक चोंच होती है जिसे बोलते हैं पॉइंट, और नीचे लगा होता है प्लम बॉब। तो ये प्लम बॉब है जो ये नीचे उस पॉइंट को टच करेगा जो यहाँ ग्राउंड लेवल पर ए पॉइंट होगा उसे, ठीक है। यहाँ जो अपने टेबल है यहाँ पर एक पड़ा होगा पेपर, बड़ा सा पेपर होता है प्लेन वाइट कलर का। तो जैसे ही इसने नीचे ग्राउंड को ए से टच कर दिया, एक्चुअल ग्राउंड को, ये जो पेपर है पेपर पे जो पॉइंट है ये वहाँ पर एक कील लगा देता है, पिन लगा देता है, और वहाँ पर लिख देगा ये यहाँ ए है तो वहाँ पर पेपर पे लिखेगा स्मॉल ए, ठीक है। इस टाइप से इसका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब ये एक बंदे से बोलेगा जाके तू भाई बी पे खड़ा हो जा, ठीक है, बी पे खड़ा हो गया वो। इसके बाद ये बंदा जो है, यहाँ एक हथियार है इसके पास, वो है एली डैड, एली डैड, अली के फादर, ठीक है। एली डैड में क्या होता है, इसमें दो स्लेट है, एक वेंट इधर है एक यहाँ है। तो ये एक से देखेगा दूसरे में, मतलब ये यहाँ से सीधा इसे देख रहा है, इसके पोल को, ठीक है। अब ये इस बार जैसे ही उसने इसको देख लिया उसके हिसाब से अपने को ये पेपर पे एडजस्ट कर लेगा इसे, एली डैड को। एली डैड का जो एक मार्जिन है वो तो अपने जो ए पॉइंट था ना, जो स्मॉल ए जो पिन लगाई थी उसको टच कर रहा होगा, तो ये से तो कहीं मूव नहीं करेगा, दूसरा इसको आगे पीछे मूव कर लेगा, इधर या इधर, जिससे कि ये बिल्कुल सीधा वैसे ही हो जाए जो इस टाइप का है, ठीक है। एक बार उसने देख लिया उसे, सपोज इसकी इसके लिए चल रहा कि जो ग्राउंड पे 1 मीटर की डिस्टेंस को पेपर पे 1 सेंटीमीटर की लॉट ड्राइन करेगा, तो इसने यहाँ पर दूसरे बंदे से बोला वो यहाँ से ए पॉइंट से बी के बीच की डिस्टेंस मेजर करेगा। जैसे ही उसने डिस्टेंस मेजर कर ली, ये अभी एली डैड को हटाएगा नहीं यहाँ से, वो एली डैड पे होती है मार्किंग, तो वो उसी मार्किंग के हिसाब से यहाँ पेपर पे एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देगा, जैसे कि यहाँ पर ए से बी उसने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेगा, ये अपना यहाँ से सामान बोरिया बिस्तर बांधेगा और बी पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, वही काम फिर करेगा बी पे, अपने फिर दुकान संभालेगा, मतलब अपनी टेबल लगाएगा, टेबल के ऊपर पेपर तो पहले से लगा है। इसके बाद क्या लगेगा, अपना ट्राउट कंपास ले आएगा, ट्राउट कंपास से इसका ओरिएंटेशन बिल्कुल सही पहले जैसा फिक्स करेगा, मतलब ट्राउट कंपास 0° पे लेके आएगा। तभी मैंने बोला कि पेपर पे ये क्या मार्किंग कर देता है, ट्राउट कंपास को वहीं बिल्कुल परमानेंटली जमा कर रखता है, जिससे वो बिल्कुल टेबल आपकी जैसा पॉइंट ए पे थी नॉर्थ में, जिस जैसी थी बिल्कुल राइट ओरिएंटेशन यहाँ पर भी उसका आ जाए। इसके बाद क्या करेगा, एक्चुअली में ओरिएंटेशन वो थोड़ी बाद में करता है, ओरिएंटेशन से पहले का काम उसका ये है कि उसने यहाँ पे जो उसका ये डायग्राम था ये वाला, इसमें जो पॉइंट उसका बी है, इस पॉइंट को ग्राउंड के बी पॉइंट से मिलाना चाहिए। तो सबसे पहले जब टेबल जो जब लगाता है तो ये लेके आता है यू फॉर्क, और यू फॉर्क से प्लम बॉब को रखता है बी पॉइंट पे, और उसके हिसाब से ये टेबल को एडजस्ट करता है कि पेपर पे जो बी पॉइंट है स्मॉल बी बनेगा, कैपिटल बी ग्राउंड पे तो पेपर पे स्मॉल बी बनाए लिखेगा, तो पेपर का जो स्मॉल बी पॉइंट है वो ग्राउंड के बी पॉइंट से बिल्कुल मैच कर जाए। जब एक बार टेबल को उसके हिसाब से एडजस्ट कर दिया, इसके बाद इसका ले लेगा ओरिएंटेशन, और ऊपर क्या लगा देगा, इसका पिन ठोक देगा वहाँ पर। तो पिन इसने स्मॉल ए पे भी लगाई और स्मॉल बी पे भी लगाई,
तो पहले इसने उसकी पोजीशन सही कर ली, पिन लगा दी, फिर उसने इसका ओरिएंटेशन ले लिया। ओरिएंटेशन लेने के बाद फिर ये बोलेगा बंदे से सीप है कि भाई तू अब ना सीप वाले पॉइंट पे चला जा। जैसे ही वो सीप पे चला गया ये अपना हथियार फिर निकालेगा और उसके बीच के डायरेक्शन एलिडेट से वो डायरेक्शन निकालेगा इसका, ठीक है। इसके बाद इसके पास क्या बचता है, वही सेम काम, इसकी डिस्टेंस निकालेगा। सपोज डिस्टेंस थी 100 सेंटीमीटर या 100 मीटर, तो 100 मीटर था तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर की लाइन किस पर ड्रा करेगा अपने पेपर पर। ये एलिडेड को अभी हटाएगा नहीं, एलिडेड का एक एंग जो पार्ट होगा इस साइड का, जो इसकी साइड का है वो स्मॉल बी बी से जुड़ा होगा, और यहाँ के जो एलिडेड का जो आगे का पार्ट है उसे आगे पीछे खिसका के इस टाइप से कर लेगा, इधर को या इधर को खिसका के, कि ये बिल्कुल लाइन स्ट्रेट में दिख रहा हो, उसे बिल्कुल ऐसे दिख रहा हो, ठीक है। ये काम हो गया इसका। इसके बाद ये इसने लाइन ड्रॉ कर ली, तो इसका पिक्चर अब कैसी बन जाएगी, इस टाइप की। ओके, अब यही काम फिर कहाँ जाएगा, ये सी पे जाएगा। सेम काम सी पे भी पहुँचेगा, अपनी टेबल लगाएगा। टेबल के बाद पहले तो उसका वहाँ लोकेशन सही से लेगा, ग्राउंड का सी पॉइंट और पेपर का सी पॉइंट को जॉइंट करेगा किससे, यू फॉर्क से। इसके बाद ओरिएंटेशन सही करेगा, ओरिएंटेशन से सही करने के बाद उस बंदे से बोलेगा भाई तू डी पे जा। वो डी पे जाएगा, फिर ये अपना एलिडेट उठा करके फिर उसको मेजर करेगा, एलिडेट से फिर इसकी डायरेक्शन देखेगा, ठीक है। देखने के बाद फिर जो डिस्टेंस मेजर करेगा उसके हिसाब से ये अपनी लाइन ड्रॉ कर देगा अपने पेपर पे। ये काम होगा। तो यही वजह है कि टेबल प्लेन टेबल सर्वे का जो प्रिंसिपल है वो है पैरेललिज्म, क्योंकि यहाँ पर जो लाइनें हैं वो बिल्कुल पैरेलल चल रही हैं, जैसी ग्राउंड पे चलती हैं, ग्राउंड के पैरेलल पेपर पे चल रही हैं, बस स्केल छोटी है, ठीक है। अब ये सी से उठ करके डी पे आएगा। अब मान के चलो ये थोड़ा होम सिकनेस है, तो बोला नहीं मैं तो ए पे वापस जाऊँगा घर पे। तो इस टाइप पे अगर ये वापस आता तो फिर वो फिर ए पे खड़ा करेगा और वापस मेजर करेगा। तो इसका पिक्चर क्या बनी, ये एक्चुअल जो ग्राउंड पिक्चर है और जो मेरी ड्राइंग है इसमें थोड़ा वेरिएशन है, क्योंकि मेरे हैंड स्किल इतना सही नहीं है। बट अगर जब प्रैक्टिकली किया जाता है तो जो ग्राउंड का डायग्राम आता है वही पेपर पे आता है, लगभग सेम टू सेम, 100% सेम। हाँ, उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, एरर का आता है, वो एरर की वजह से है, तो एरर को भी सही करने के फिर तरीके आते हैं, तो उसमें आते हैं 2.3.1 जैसे इशू जो आएंगे वो आगे आएंगे आपको। ये आपको समझ में आ गया, मतलब प्लान टेबल समझ में आ गया, ठीक है। तो ये पैरेललिज्म में जो कॉन्सेप्ट है वो आपका इशू सॉल्व हो गया। अब देख लेते हैं मेथड ऑफ प्लान टेबल। प्लान टेबल क्या है, उसके इंस्ट्रूमेंट आपने इसमें चलते चलते समझ लिए। अब प्लान टेबल सर्वे करने के टाइप हैं, तो उसका पहला टाइप होता है ट्रैवर्जिंग। ट्रैवर्जिंग मतलब आप टेबल को ले लेके साथ साथ में चलते हो, तो जो अभी अपन ने किया वो एक्चुअली ट्रैवर्जिंग कर ली हमने, ट्रैवर्जिंग को हम कर चुके हैं। दूसरा इसका जो टाइप है वो है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन को देख लेते हैं, ये क्या है, कुछ नहीं, ये अपना जो एरिया था इसका अपन को सर्वे करना था, तो आप क्या करते हो बीच में जा कर के टेबल लगा लेते हो, ठीक है। पांच लोगों को पांच यहाँ पर पोल पकड़ा देते हो, यहाँ पर सेंटर जो पॉइंट है जो नीचे यू फॉर्क से अपना पॉइंट ले लेते हो, कहाँ से, यू फॉर्क से लिया, और जो आपका पी होगा और ग्राउंड का पी होगा दोनों एक दूसरे को ऊपर के नीचे एक दूसरे के ऊपर कर लोगे, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, एलिडेड उठाओगे और इसको देख लोगे, यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर लोगे और एलिडेट से उसी डिस्टेंस की क्या कर दोगे, लाइन ड्रॉ कर दोगे। वही इससे बोलोगे ये इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है और उसी के अकॉर्डिंग पी से उसी डायरेक्शन में एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करोगे। वही लाइन ड्रॉ इधर को इसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे और इसके साथ करोगे, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ हो गई, इसके साथ और क्या करोगे, इससे पूछोगे इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। ये डिस्टेंस मेजर करके सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर को ही रख करके जो आपकी मैप आया था, ये यहाँ का जो मैप आया था, तो उसमें 4 सेंटीमीटर की इधर लाइन खींच दोगे, इसे ऐसे सब देख सकते हो, ठीक है। कि आपके जो टारगेटेड थे वो ये पांच रहे ए बी सी डी, उसने उसी को रख करके यहाँ पर वो डायग्राम बनाया था छोटा सा और फिर उन्हें जोड़ दिया।
तो यहाँ पर जो प्लेन टेबल पे आपकी जो पिक्चर बन रही है वो एक्चुअली ग्राउंड जो है उसका एक छोटा सा मिनिमाइज फॉर्म बन गया। तो रेडिएशन क्यों? क्योंकि इसने रेडिएशन किरणों की टाइप का बनाया था सेंटर में जाकर के एक ही लोकेशन, ये कहीं मूव नहीं किया, ट्रेवर्स नहीं करना पड़ा से। ये दूसरा मेथड क्या है? रेडिएशन। एक तीसरा और इंटरेस्टिंग है वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे काम करता है? चलो अपनी पुरानी प्रॉब्लम पे चलते हैं, नदी वाली पे। उसमें क्या इशू था कि नदी के बीच में पी पॉइंट का आप डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। तो ये क्या करता है कि सबसे पहले जाता है ए पॉइंट पे और एक बंदे को खड़ा कर देगा यहाँ बी वाले पे, ठीक है, और एक बंदे को खड़ा करेगा पी वाले पे, और खुद कहाँ है? ए वाले पे। वही ई यू फर्क लेगा, यू फर्क से नीचे पे जो ग्राउंड पे जो ए पॉइंट है उसको पेपर पे वो स्मॉल ए पॉइंट लगा के वहाँ पिन लगा देगा और उसे मेजर कर देगा, मतलब उसे मार्क कर देगा। इसके बाद फिर ये बी वाले से बोलेगा भाई तू डिस्टेंस बता दे, एल ई डेड उठाएगा और इसकी डायरेक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट कर देगा, ठीक है, डिस्टेंस करके वहाँ पर एक छोटा सा डंडा ड्रॉ कर देगा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देगा, ठीक है, इसकी लाइन ड्रॉ हो गई। इसके बाद ये जो पी है जो यहाँ खड़ा था ये उसको देखते एल ई डेड रखेगा और ऐसे ही एक लंबी सी एक लाइन खींच देगा। इसे ये पता नहीं कि लाइन कितनी खींचनी है, बस एक सीधी सीधी लाइन खींचते ही चला जाएगा जब तक एल ई डेड का वो जो 40-50 सेंटीमीटर का होता है उसका बिल्कुल एज ना आ जाए, ठीक है। अब ये यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाएगा और अब जाएगा अपने बी वाले पॉइंट पर, यहाँ पर फिर प्लेन टेबल को ओरिएंटेशन करेगा, मतलब बिल्कुल नॉर्थ के साथ सही करेगा। ये बंदा जो बी पे था उसको भेज देता है ए पे और पी वाला तो अपना पहले से खड़ा है। अब ये क्या करेगा? यहाँ पर वही बोलेगा बी से डिस्टेंस मेजर करने की ज़रूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो पहले से मेजर कर रखी है इसने, लाइन भी ड्रॉ कर रखी है, लेकिन इसे तो एक्चुअली बी को रीवेरीफाई कर रहा है। तो ये एल ई डेड रख करके ए को, इसे ए वाले पॉइंट पे जो बाद आदमी खड़ा उसे ध्यान से देखेगा, इसके बाद इसको देख करके एक लाइन ड्रॉ कर देगा, ठीक है। अब देखो पेपर पे स्केप पे क्या हुआ, ज़मीन पे तो खींच दिए लेकिन पेपर पे स्केप पे क्या है, ये एक लाइन सीधी ऐसी चली गई थी, ये लाइन ऐसी सीधी चली गई थी, ये लाइन पहले से थी। अभी जब इसी सिस्टम को उठा के वो यहाँ लेके आया तो उसके में ये एक नई लाइन और आ गई, तो ये ट्रायंगल बन गया इसका छोटा सा। तो ये जो ट्रायंगल बना इसका ये एक्चुअली ग्राउंड का कॉपी होगा। तो अब इसे नदी के उस साइड जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसे यहीं ट्रायंगल को मेजर करके बता सकता है कि पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है। तो ये इंटरसेक्शन का बेनिफिट है, ठीक है। अब मुद्दा आ जाता है कि प्लेन टेबल के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो पहला तो यह है कि अगर एक बार भी ये प्रैक्टिकली आ गया तो सबसे तेज़ी से यही काम करता है, क्योंकि इसमें एक्चुअली पहले वालों में क्या होता है, आप उसका वहाँ सर्वे के लिए जाओगे फिर एंगल मेजर करोगे, एंगल दिमाग का नहीं करते हैं, जबकि यहाँ पर एंगल एंगल तो कुछ लेने नहीं है, सीधा देख करके निकाल देना, ठीक है। दूसरा कंपास सर्वे के साथ कहा था कि ऐसे फील्ड जहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो वहाँ वो काम नहीं कर पाता, इसको मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेने देना नहीं है, ठीक है। तीसरा वहाँ पर आपने एक बार सर्वे करके डाटा तो लिख लिया, फिर डाटा को ऑफिस में जा करके फिर डाटा से मैप बनाते हो, यहाँ तो मैप एक्चुअल में साथ साथ में चल रहा है, तो होमवर्क की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और इजली होता है, यहाँ पर कहीं गलती हो रही है तो उसे भी उसी टाइम पर वहीं पर सॉल्व हो जाती है, ऐसा नहीं कि गलती 2 दिन बाद पता पड़े, उसी टाइम पर गलती पता पड़ जाती कि हाँ ये डाटा, क्योंकि अगर हम सपोज ए पॉइंट से चले और वो राउंड काटते काटते वापस ए पे आए तो ग्राउंड पे तो हम वापस आ गए, लेकिन मैप पे अगर नहीं आ पा रहे मतलब कहीं ना कहीं हमने एंगल में गड़बड़ी की है, तो एरर इजली डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है, ओके। अब मुद्दा है इसके डिसएडवांटेज के, तो देखो पहला तो क्या होता है, प्लेन टेबल होती है लकड़ी की, उसके ऊपर रखा होता है पेपर कागज, तो बारिश हो गई तो दोनों गीले हो जाते हैं और पेपर तो भीग जाता है। दूसरा वही है कि इसमें एसेसरी बहुत सारी ज़रूरत होती है, यू फॉर्क है, प्लम बॉब है, पेन लेके चलो दुनिया भर की, ठीक है, पेपर लेके चलो, पेंसिल लेके चलो, एल ई डेड है, कंपास है, ट्राउट कंपास है, 2-3 और कंपास होते हैं,
तो इतनी सारी एसेसरी लेके चलते हैं, साला वजन खाली पीली का बढ़ जाता है, फिर बार बार ओरिएंटेशन करना पड़ता है, तो ये फिटिंग अरेंजमेंट के इशू आ जाते हैं। ठीक है, और जहाँ एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है वहाँ ये इतनी हाईली एक्यूरेसी नहीं दे पाता, ये इसके इशू है। ओके, अब यहाँ पर इशू आता है अपने जो एक्सरसाइज के हैं कि डिस्क्राइब द लिमिटेशन एंड एडवांटेजेज ऑफ प्लान टेबल सर्वे, इसे आप लिख सकते हो। अब मुद्दा यहाँ आता है 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम की। ये 2 पॉइंट 3 पॉइंट को एक बार वो नोट्स में पढ़ लें, क्योंकि ये बाहर से समझाना थोड़ा, खासकर भी यहाँ PPT में बनाना उन्हें थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। सेकेंड थिंग, ये 2012 से पुराना जो टाइम था जब फॉरेस्ट्री एज ए कोर थी, ऑप्शनल थी और डायरेक्ट थी, मीन्स प्री नहीं जुड़ी थी, तो उस टाइम पे क्वेश्चन काफ़ी आते थे क्योंकि उन्हें फॉरेस्ट्री को थोड़ा टिपिकल बनाना पड़ता था। लेकिन अब ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इसे अगर टाइम नहीं है तो इसे छोड़ दें, बेहतर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हाँ कर सकते हो, इफ़ यू हैव टाइम, तो इसे पढ़ लेना, मुश्किल से एक पेज का है। ओके, यहाँ पर अपना ये लेक्चर